हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खुशहाल के परिवार में। आज आपको बताते हैं कि जिंक की शुद्धता किस प्रकार हम जानते हैं। जिंक सल्फेट की शुद्धता जांचने के लिए आपको करना क्या होगा, आप जिंक सल्फेट को अगर डीएपी के साथ मिलाते हैं, यानी उसके जो चूर्ण है। जिंक सल्फेट में पहली बार तो मिलावट किसकी होती है, तो सबसे पहले उसमें ज़्यादातर मिलावट मैग्नीशियम सल्फेट की होती है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट सस्ता होता है और उसका भौतिकी जो रूप है वो सेम जिंक सल्फेट जैसा होता है। तो इसके जांचने के लिए आप क्या करेंगे, डीएपी में अगर जिंक सल्फेट मिलाते हैं तो अगर वो शुद्ध नहीं है तो वो गल जाएगी। अगर यानी मैग्नीशियम सल्फेट है मिला उसमें तो वो गल जाएगी, लेकिन अगर जिंक सल्फेट सही है तो डीएपी पर मिलाने पर वो क्या होगा, थक्का बनाएगी, यानी वो एक प्रकार से थक्का का निर्माण करे। दूसरा तरीका है, अगर उसमें आप मोटा गाढ़ा प्लास्टिक मिलाते हैं तब वो क्या होगा, उसमें कोई अवशेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर पतली प्लास्टिक मिलाएंगे आप उसमें तो वो हल्का पीलापन मटमैला कलर छोड़ेगा। तो ये कुछ पहचान रही आपके जिंक सल्फेट की, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों शेयर करें। नमस्कार।